फतेहपुर के चांदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले जवान विजय कुमार पांडे जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान के द्वारा की गई गोलीबारी में शहीद हो गए। शहीद विजय पांडे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जवान विजय बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। वहीं शहीद जवान के परिजनों ने मांग की है कि सरकार को अब जवानों को छूट देनी चाहिए ताकि जवान शहीदों की शहादत का बदला ले सके। जम्मू में क्या बेटे की आपकी शादी भी थी? कितने तारीख को? 15 को तिलक, 20 का बारात। तो क्या बेटे को सोते वक्त वहाँ पे मार दिया है? अरे दैया रे, हम नहीं जानती ने। क्या सूचना मिली थी आपको? हमका नहीं बोला, बउआ का मिली साइलेंट का। हमसे कहें कि पांडे जी के घर से बोल रही हूँ। हमको हाँ कहाँ है, हमको दूसरे घर में गई है दूहेंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हमारी सेना लगी हुई है वो जल थल वायु जो भी तीनों सेनाएं हैं उनको 24 घंटे छूट देनी चाहिए अगर इस तरह कोई भी हादसा होता है। क्योंकि अदर आप पाकिस्तान देखें, कहीं भी आप देखेंगे, आप लोग भी समझते हैं, आप लोग भी न्यूज़ में हैं कि उधर से छूट मिलती है, इधर से छूट नहीं मिलती। अगर इधर से होता क्या 24 घंटे में, 1 घंटे अगर देते भी होंगे छूट, लेकिन यहाँ पब्लिक को बोलते हैं कि नहीं छूट दी गई, 8 घंटे दी गई, 6 घंटे। लेकिन अगर वहाँ पे अपने भाई लोग से पूछते हैं तो मालूम होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, उसके भी एक एक बात उसके देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। ये हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो भी फोर्स लगी हुई है, जो भी माता पिता अपने बच्चों को भेजते हैं, तो कम से कम अगर उनको नौकरी मिल जाती दी जाती है तो उनको भी ऐसा होना चाहिए ना कि अगर कोई बाहर से कोई हमला कर रहा है तो उनको आज़ादी दी है कि आप भी हमला कर सकते हैं। खून का बदला खून होना चाहिए, बिल्कुल। फिलहाल जवान के शहीद होने के बाद गाँव वालों में पाकिस्तान के खिलाफ काफी गुस्सा है। फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव, पंजाब केसरी टीवी।